आमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस ने पूर्व बीएमओ डॉक्टर एन के रोहित, बीपीएम सतीश भूमरकर और लेखापाल सचिन नागले को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि 2012-13 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन लोकार्पण के आयोजन में ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति के प्रशिक्षण व टीकाकरण कार्यक्रम भंडार क्रय नियम में भ्रष्टाचार किया गया था। लगभग 16 लाख रुपयों का गबन का आरोप लगाया गया था। हाँ सर, क्या मामला? ये माह जून 2017 में डॉक्टर आर के ध्रुवे के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला में 2012-13-14 वित्तीय वर्ष की वित्तीय निमित्ता की जांच की गई थी। उनके द्वारा थाना आमला में रिपोर्ट की गई, इस पर थाना आमला में अपराध क्रमांक 307/17, धारा 420, 467, 409, 468, 471, 34 भागा भी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1)(c) बढ़ाई गई थी। विवेचना की गई और विवेचना के दौरान जो जांच अधिकारी द्वारा ग्राम स्वास्थ्य सभा तदर्थ समिति प्रशिक्षण के दौरान जो गांवों में प्रशिक्षण देने के लिए कैंप लगाए गए थे और उसके द्वारा जो प्रशिक्षकों को और जो प्रशिक्षण के दौरान जो सामान क्रय किया गया था उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा उक्त राशि प्राप्त होना नहीं बताया गया, जबकि विधिवत चेक के माध्यम से ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सतीश भूमरकर और डॉक्टर एन के रोहित के हस्ताक्षर से पैसा बैंक से निकाला गया है और लेखापाल सचिन नागले के द्वारा उक्त राशि कैश बुक्स में भुगतान करना बताई गई है। प्रकरण विवेचना पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सतीश भूमरकर को दिनांक 17/9/18 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय आमला में पेश कर अग्रिम पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड लिया गया है और डॉक्टर एम के रोहित तात्कालीन बीएमओ आमला को पुलिस सुरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उनके विरुद्ध भी संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लाख का मामला है? प्रकरण में फरियादी द्वारा करीबन 16 लाख तक दिखाया गया था, लेकिन बीएचएनआई में जो बैंक से जानकारी ली गई है, कई खातेदारों को उनके बैंक में डायरेक्ट चेक से भुगतान किया गया है। अभी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य अमला और बैंक से जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी आरोपी कितने गिरफ्तार सर? अभी आरोपी सतीश भूमरकर गिरफ्तार हो गया है, डाटा एन के रोहित पुलिस सुरक्षा में लिया गया है, उनसे पूछताछ प्रकरण की जा रही है, उनके विरुद्ध भी विसंगत कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि 16 लाख के बिल फर्जी लगाकर रुपए का आहरण किया गया था। मामला विगत एक वर्ष पूर्व का है, जबकि आरोपीगण एक वर्ष से आमला ही में रहकर फरारी काट रहे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। मामले में पूछताछ जारी है। आमला से दुर्गा प्रसाद जौनजारे की रिपोर्ट, SCN न्यूज़ इंडिया।